जब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार किसी एक जाति और एक परिवार के लिए काम करती है, एक वर्ग के लिए काम करती है, तो केवल उसको उसका लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से मुक्त कराया गया, भ्रष्टाचार से मुक्त कराया गया, और आज इसके कारण से विरोधी भयभीत भी रहते हैं। 2022 का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे इस समय चुनाव के मैदान में घूम रहे हैं, उनको लगता है कि गुंडागर्दी की वापसी हो जाएगी। मैं आज बाराबंकी की धरती से यह कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि 2014 में आपने हमें यहां उत्तर प्रदेश में पहली विजय दी, बाराबंकी में भी विजयी बनाया। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तब भी बाराबंकी में हमें आपने अपना आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब भी आपने हमको विजय देने का काम, विजय हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम किया, और 2022 में भी मेरा पूरा विश्वास है कि बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और 300 से ज्यादा सीटें हम लोग फिर जीत करके फिर जिनके लिए काम करना चाहिए उनके लिए काम करेंगे। जिनके लिए काम करना चाहिए उनके लिए काम करने वाली सरकार भाजपा की होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजय का चार चौका लगाने का मौका आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, दोनों हाथ उठा के बताइए, मिलेगा ना? पूरा मेरा। और ये जो दावे कर रहे हैं कि हम गुंडों को लेकर के तुष्टीकरण करके और फिर से वापस आ जाएंगे, सपा वाले घूम रहे हैं कि नहीं आजकल घूम रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं इस मंच से, जैसे भाजपा को जीत का चौका लगाने का मौका मिलेगा, वैसे विपक्ष को सपा बसपा कांग्रेस को हार का चौका लगाने का मौका मिलेगा। वो हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, ईमानदारी के साथ काम किया है। लोग भूल जाते हैं पहले बिजली कितने घंटे आती थी और अब कितने आ रहे, पहले कितना आती थी याद है कि भूल गए? गांव गांव की सड़कों के हाल क्या थे पहले, अब पहले से अच्छी सड़कें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? या जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को आप सब ध्यान में रख करके आने वाले समय में अपना आशीर्वाद भी देंगे। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में, तीन चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए हैं। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को ईमानदारी के साथ उस तक पहुँच रहा है। यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है, हम चाहते सबके जीवन में खुशहाली। मंत्री जी, योगी जी हमेशा कहते हैं कि जो है अधिकारी हमारी बात, जो बात जो योगी जी कह रहे हैं अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। लोक निर्माण विभाग आपके पास में है, सड़क अभी तक के गड्ढे मुक्त नहीं हुए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2017 के पहले और 2017 के बाद आपको सड़कों में अंतर आया है कि नहीं? आप बोलिए, मैं आप ये बताइए सर, आपने बोला था कि योगी जब से गवर्नमेंट आई है तब गड्ढा मुक्त हो जाएगी। गड्ढा मुक्ति एक नहीं, आप समझ लो पहले, गड्ढा मुक्ति एक सतत अभियान है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गई तो 1000 साल तक वो बिगड़ेगी नहीं। गड्ढे बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, फिर बिगड़ती है, फिर बनते हैं। बीच में इस बार वर्षा का काल ज्यादा था, इसलिए 15 दिन के लिए हम लोगों ने गड्ढा मुक्ति के अभियान को और आगे बढ़ाया है। और बाराबंकी को हम निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरह सजाना चाहते हैं, क्योंकि राजधानी का ही हिस्सा है। मंत्री